अच्छा भाई, तो स्वागत करते हैं, वेलकम समझिए आप सब लोगों को मेरे चैनल अपमान में। तो भाई साहब, एक मूवी थी जिसका एक डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम भी, आजकल भी लोग बहुत इसको जो है कभी कभी दोहराते हैं, कभी कभार जब इस तरह सीन आ जाता है। वो सनी पाजी का एक मूवी था जिसमें एक करिश्मा कपूर जो है वो एक अखाड़े में जो है घूम रही होती है, उसको के डायलॉग बोल रही होती कोई है कोई मर्द जो इस जानवर को काबू कर सके। तो अभी है कोई टीम जो इस टीम को काबू कर सके? भाई साहब, ये क्या क्रिकेट खेल रही है, क्या मतलब गजब की क्रिकेट। भाई देखो, अगर शुरुआत से देखी जाए, वर्ल्ड 2023 का जो वर्ल्ड कप था फाइनल खेल कर आई है, वर्ल्ड चैंपियन बनी है T20 का, टेस्ट के लिए ऑलरेडी जो है वो बैठे हुए हैं, मतलब टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होने वाला है। रैंकिंग वाइज अगर देखी जाए, रैंकिंग में भी टॉप पे है भाई। प्लेयरों की अगर बात की जाए तो सारे प्लेयर मतलब ज़्यादातर जो है इंडिया की मतलब टॉप पे है, टॉप 10 में आ जाते हैं, कोई पांचवा, कोई तीसरा, कोई पहला। तो ये चीज़ है। तो भाई साहब, कोई है ऐसा टीम जो इस टीम को काबू कर सके? पहले इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए भाई। तो दूसरी बात, दूसरा T20 जो है श्रीलंका वर्सेस इंडिया का जो है रात को हुआ था, जो कि बारिश भी हुई थी और मैच रोक भी दिया था, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ, मैच पूरा हुआ, 162 का टारगेट मिला हुआ था। लेकिन बाद में जब बारिश हुई तो थोड़ा बहुत फिर मुश्किल हुआ, जो कि 8 ओवर में 78 रन की मरखा में टारगेट मिला इंडिया को। तो अगर श्रीलंकन, क्योंकि पिच ऐसी थी कि 8 ओवरों में 78 रन बनना मुश्किल थी, लेकिन इंडियन बैट्समैनों ने बहुत, खासकर जयसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो अगर शुरुआत से बात की जाए तो पहले श्रीलंकन ने बैटिंग की और 162 का टारगेट दिया। अच्छा, अगर शुरुआत से कहा जाए तो बहुत ही अच्छा शुरुआत की श्रीलंकन टीम ने, बहुत ही अच्छी बैटिंग की। लेकिन वो कभी कभार कुछ लोग कहते हैं, पड़ोसी खासकर ये बात करते हैं कि इंडियन के पास तो बॉलिंग नहीं है, इंडिया के पास तो बॉलर्स नहीं है, इंडिया की बॉलिंग कमजोर है, इतना ढिंगाना है। लेकिन इंडियन बॉलरों ने जो है 15 ओवरों के बाद मैच सारा कंट्रोल कर दिया। मैं देख रहा था मैच, 15 ओवरों के बाद मेरे ख्याल में 15 ओवर में 135 रन थे। तो आप कुछ सोचो, 172 का टारगेट मिला है, तो विकेट्स भी लिए लास्ट के 5 ओवर। ये इंडिया वाले जो है वो एक क्या कहते हैं, 5 ओवरों के बाद जो है इन लोगों को पता नहीं क्या आ जाता है, वह एकदम जो है बस मतलब हिल जाता है, पूरे जो है टीम को पकड़ लेता है। जिस तरह के फाइनल में हुआ था, पिछली T20 में भी यही सीन हुआ था, लास्ट के ओवरों में पता नहीं सारा मैच इन्होंने श्रीलंका से ले लिया, और आज भी सारे लास्ट के 5 ओवरों में जो है इन्होंने मैच को कंट्रोल कर दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया के पास बॉलर नहीं है। भाई इंडिया अब तो अच्छे अच्छे बॉलर खेल भी नहीं रहे भाई, बुमराह हो गया, शामी हो गया, संजू सैमसन का क्या यार है, पिछली बार भी इनके लिए बहुत ही ट्रेंड चला था, अब भी ट्रेंड चला था कि यार इसको क्यों नहीं ले आ रहा है। लेकिन इस बेचारे को पता नहीं क्या हो जाता है इंटरनेशनल के, हालांकि IPL में क्या क्रिकेट खेली थी यार, क्या गेम, राजस्थान रॉयल के लिए क्या क्या चक्के मार रहे थे। मैं खुद यह कह यार इसको क्यों नहीं ले रहा है, इतना अच्छा प्लेयर, इतना मतलब बाकी जो प्लेयर थे उनसे ही अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, जितने भी मतलब एक एज अ कैप्टन इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, मैं तो ये कह रहा कि इसको कैप्टन क्यों नहीं बना रहे। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाता है, इस बंदे को पता नहीं क्या हो जाता है भाई, कौन सी बीमारी इसके सर चढ़ जाता है, बंदा कल फिर जीरो पे आउट हो गया। लेकिन यार एक चीज है, एक मिनट से पता नहीं चलता है इनको कम मतलब चांस देनी चाहिए, कुछ ज्यादा ही चांस देनी चाहिए, पता नहीं ये लंबा रेस का जो है घोड़ा है, पता नहीं क्या सीन है इसका, जो है कुछ वक्त देना चाहिए। तो जवाब में इंडियन बैट्समैनों ने खासकर जयसवाल, पांड्या और सूर्या कुमार यादव, मतलब स्कोर कम थे तो लाजमी बात है 20-20, 25-25 रन बनने थे, इन बैट्समैनों ने बना दिए। खासकर जयसवाल ने तेज बैटिंग की और हार्दिक पांड्या 9 बालों में 22-23 रन बनाए, और सूर्या कुमार यादव ने अच्छी की, मतलब ऐसा ही था, क्योंकि मैंने कहा कि पिच बिल्कुल स्लो थी, बैटिंग नहीं हो रहा था, बारिश भी होगी तो और भी मतलब जो आउटफील्ड था वो थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गया। तो इंडिया ने तो टारगेट मतलब चेस कर दिया आसानी से, मेरे ख्याल में 8-7 बॉल रह गए, एक पांड्या खड़ा और चेस, भाई वो बेस्ट फिनिशर है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज, मैं तो उसको कहता हूँ वो नहीं रैंडी ऑर्टन, एक रेसलर था, पता नहीं मैं सही नाम ले रहा हूँ या गलत नाम ले रहा हूँ, तो उसकी तरह मुझे, मैं हार्दिक पांड्या को उसके साथ जो है मैच कर लेता हूँ कि यार ये उसका बॉडी भी बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल रबड़ का बना हुआ है। तो बहुत आसानी से चेस कर दिया इंडियन बैट्समैनों ने टारगेट और सीरीज जीत ली, 2-0 से जीते। मुझे तो लगता है यार एक क्लीन स्वीप कर जाएगा इंडिया इसमें, वन डे में भी क्लीन स्वीप, जिस तरह की इंडियन टीम खेल रहा है। मैंने पहले एक डायलॉग बता दिया कि कोई है जो इसको रोक सके, अभी तो यार इतने टीम के सीनियर प्लेयर खेल भी नहीं रहे भाई, बॉलर हो गया, बैट्समैन हो गए, 2-3 तो अच्छे अच्छे बैट्समैन नहीं खेल रहे, 2-3 बॉलर नहीं खेल रहे, मतलब आधा टीम नहीं खेल रहे, सारे यंग प्लेयर है, तभी ये हाल है। अगर वो आ गया फिर तो बंदा सोच भी नहीं सकता है कि यार हम जीत सकते हैं। तो कंग्रेचुलेशन, इंडिया ने जो है 2-0 सीरीज जीत ली, क्लीन स्वीप भी कर जाएगा। भाई साहब सोचा इसमें कुछ बातें कर लेते हैं, रात को देर तक वैसे मैच मैंने देखा, लेकिन वीडियो ना बना सका क्योंकि मैं घर पे था, जो मैं जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ वो अलग ही जगह है,
तो चार्ज पे कुछ बातें कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल अफगान व्यूज और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। स्वामी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।